Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jahan Shah, khairiyat hai? Ji, Allah ka shukr. MashaAllah, Arfan bhai, aap sunaye se theek hai. Badi meharbani. Bas woh program pe bhai main tha, subah pahuncha. Phir main aage so gaya. Achha ji, achha ji, achha ji. Irfan Mahmood Barq bhai, kyunki aap sabka qadiani hain, no muslim hain aur qadianiyat aur marziyat ke bare mein aap bahut acche tarike se jante hain. आपसे मुझे ये जानना है कि एक साबका कादियानी नौ मुस्लिम खासत नुमान भाई, उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया है और वो हमारे यूट्यूब के चैनल खत्मन वो टाइम्स के ऊपर अपलोड हो चुका है। और जब से वो इंटरव्यू अपलोड हुआ है तो कादियानी हलके के अंदर बहुत ज़्यादा जलजला तारी हो गया है और वो मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं और ये शोर मचा रहे हैं और उनकी बड़ी वीडियोज आई हैं कादियानी मर्दियों की तरफ से कि लो जी ये फहद नुमान ने जो ये बात की है कि ये रबुआ जो है जिसको चनाब नगर कहते हैं ये पाकिस्तान का दूसरा हीरा मंडी है और उसने अपने इंटरव्यू के अंदर कादियानी मर्दियों के जो जो अड्डे थे जिस जिस जगह पे जनाकारियां होती हैं, लड़कियां सप्लाई होती हैं या लवातत होती है, ये कादियानी मुरब्बी जामिया हमदिया के लड़कों के साथ जो गलत कार्यां करते हैं या इस तरह के सारे मामले, उसके ऊपर उन्होंने तफसीली इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया है और उन्होंने साथ ये भी बताया है कि मैंने एक पर्चा इनके ऊपर दिया हुआ है, FIR कटवाई है इसी चीज के ऊपर के रबुआ के अंदर जो है ना वो फुहाशी और उरयानी और यहाँ पे बहुत किस्म की गलत कारियां होती हैं, तो उन्होंने कई मुरब्बियों को भी बीच में जो है ना उनके नाम वगैरह लिखे। तो इसके ऊपर कादियानी मर्दई आप जो है ना वो तो मर्दईयों की आदत होती है कि ये लोग अगले बंदे की जातियात के ऊपर उतर आते हैं और सिर्फ मिर्जे कादियानी को बचाने के लिए और अपनी जमात को बचाने के लिए। मुझे आप सिर्फ इतना बता दें और इसके ऊपर रोशनी डाल दें कि आया फहद नुमान भाई ने ये जो बात की है कि ये जो दूसरा हीरा मंडी है रबुआ, आया ये बात किस हद तक दुरुस्त है और वाकई ये कादियानी मर्दियों में ऐसे काम होते हैं क्या, रबुए में ऐसे काम होते हैं कोई इस किस्म के गलत काम होते हैं? बात ये है, सुनिए सुनिए, ये तो उन्होंने अब बोला ना, ये फहद नुमान साहब ने तो अब कहीं बोला होगा आपके सामने इंटरव्यू में कि ये कादियानी वहां पे ये कुछ करते हैं, ये यहाँ पे खाना देखना ये बाहर बात होती है। शफीक मिर्जा साहब थे ये कादियानी के बहुत बड़े, चनाब नगर से इनका ताल्लुक था और इन्होंने किताब लिखी, किताब का नाम है शहर सदूम, ठीक है जी। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप बोलते रहे, मैं आप सुन रहा हूँ जी। अच्छा, उन्होंने किताब लिखी, उसका नाम है शहर सदूम। ये जो किताब है, इस किताब के अंदर उन्होंने कादियानी औरतों की नाजेबा हरकात, उनकी दो नंबरी, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद का उनके साथ ज्यादती, ठीक है, और जो कुछ श्राम नगर के अंदर दीन के नाम पे जो कुछ बगैरती और बेहयाई और फांसी और उरियानी का जो सैलाब वहां पे बहता रहा, शफीक मिर्जा साहब ने उसका तस्करा किया, ठीक है, उस किताब के अंदर वो मिल जाती है, मार्केट से आप पता करें वो आपको मिल जाएगी, तो आप वो पढ़ लें। दूसरी किताब है जी आर अवान की किताब है, उनका उसका नाम है अहमकों की जन्नत। उन्होंने भी वो पूरी जिंदगी श्राम नगर रहे, उनके जो वाला साहब थे वो वहां पे किसी अदारे के अंदर मुलाजिम थे, गवर्नमेंट के अदारे के अंदर, ठीक है, क्योंकि उनका बचपन वहीं पर गुजरा जी आर अमान साहब का। तो अमान साहब ने अपनी उस किताब अहमकों की जन्नत के अंदर बकायदा हैडिंग दे के कादियानी उलमा, कादियानी उलमा, ठीक है, इनके लड़की जो कुछ वहां पे करती है, इनकी औरतें जहाँ जो कुछ वहां पे बगैरती की इंतहा करती है, उन्होंने लिखा। तो वो बकायदा उन्होंने प्रूफ के साथ उन्होंने बड़ी कादियानियों की गवाहियां भी इसमें लिखी। तो फहद नुमान साहब ने ये बात कर दी, हकीकत को उन्होंने इससे पलटा उठा दिया, तो ये कोई नई बात उन्होंने नहीं की। लेकिन एक असूल की बात है, एक आपको एक जाब्ते की बात अर्ज करता हूँ, सच्चा नबी खुद भी गैरतमंद होता है और अपनी उम्मत में भी गैरत पैदा करता है, ठीक है, गैरत मुंतकिल करता है। झूठा मुदय नबूवत खुद भी बगैरत होता है और अपनी उम्मत में भी बगैरती पैदा करता है, ठीक है ना। ये खास चूंकि मिर्जा गाजनी से इनको ये ख्याल मिला, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद से जो अपनी बेटी के साथ मुंह काला करता था, जो अपनी जनाब सिस्टर के साथ, सगी बहन के साथ उसने मुंह काला किया,
तो ये सारा ख्याल इनको वहां से मिला है और ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। कादियानी हो और गैरतमंद हो ये नहीं हो सकता। और बिलखसूस जो चनाम नगर है वहां की जो फजा ही बगैरती है, आप वहां जाके सांस लें तो आपको उसकी उससे बू आएगी बगैरती की, यानी कि वो ऐसी जगह है, ठीक है ना। मतलब मैं अभी इसमें बड़ी खुली बातें हैं, अभी मैं मतलब आपके सामने इस तरह नहीं कर सकता। शॉर्ट ही ये बात समझ लें कि कादियानी हो और उसमें गैरत हो, हम का कोई आंसर हो, ये नहीं हो सकता। उसके लिए बगैरत होना पहली शर्त है। जिन्होंने अल्लाह के नबी की इज्जत का हया नहीं किया, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की इज्जत का हया नहीं किया, जिन्होंने आले बैत की इज्जत का लिहाज नहीं किया, जिन्होंने साहबे रसूल की इज्जत का लिहाज नहीं किया, और इन बदबख्तों ने अल्लाह रसूल को गालियां मची अपनी किताबों के अंदर, ये कायनात के बदतरीन काफर है। तो भाई जो अल्लाह रसूल का लिहाज नहीं करता उसके लिए ये बगैरती है, उसके लिए फाशी, उसके लिए उरियानी, ये कोई मानी नहीं रखती। ये इनके लिए बड़ी प्राइवेट चीजें हैं, बड़ी नॉर्मल चीजें हैं, समझ गए ना जी। जी ये तो मुसलमान के लिए ना कि जो जो दिल में गैरत और हमीयत रखता है, ठीक है, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है सच्ची, उसका मामला है और एक कादियानी का मामला है। इसमें जमीन और आसमान का फर्क है भाई। अच्छा ये नवाज साहब ने जो कभी मैंने सुना नहीं वो मैं सुनूंगा, मुझे सेंड करें, मेरी विश्वसनीयता बहुत ज्यादा होती है जी, मैं तो मैं उसको सुनूंगा। क्लिप भी आपको सेंड कर देता हूँ, सिर्फ आप सरे दस्त तो आप अपनी राय ये दे देना, वो क्लिप तो चलो मैं सेंड कर दूंगा, तो सिर्फ आप अपना ये बता दें कि उनका ये कहना कि ये दूसरा हीरा मंडी है और उन्होंने इसी माने के अंदर ही लिया होगा ना कि भाई ये यहाँ पे बगैरतियाँ होती हैं और हीरा मंडी में भी। तो शाह साहब उन्होंने ये जो लफ्ज इस्तेमाल की है दूसरा हीरा मंडी, मेरे ख्याल में मेरी तहकीक के मुताबिक मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक उन्होंने बड़ा कम जुमला इस्तेमाल किया है। अच्छा कम इस्तेमाल किया, अच्छा मतलब उन्होंने बहुत मतलब बहुत कम दर्जे पे उन्होंने बात की है। जो उन्होंने बात की है कादियानी उससे 1000 दर्जे बगैर ज्यादा बगैर है भाई। मैं आपको अपने कजनों की मिसालें दे सकता हूँ जिनकी बीवियां दूसरों के साथ बगैरती करती हैं। मेरे पास कई मुरब्बियों के ऐसे मैं उनको जानता हूँ, ठीक है, जो अपनी बच्चियों के साथ जनाजारी करते हैं। मैं कादियानियों के कई सदरों को जानता हूँ। मैं अर्ज कर रहा हूँ फहद नमान साहब ने अगर जो बात की आप बता रहे हैं, उन्होंने कम बात की है भाई, उन्होंने बड़ी क्वाइट तरीके से बात की होगी, उन्होंने बड़े नॉर्मल तरीके से बात की होगी। कादियानी आपकी सोच साहब, आपकी सोच की हदें जहाँ पे खत्म होती है ना, अल्लाह की कसम मैं साबित कर सकता हूँ, मुजद का आगाज वहां से होता है जी, हरामजदगी का आगाज वहां से होता है जहाँ पे आपकी सोच खत्म हो जाती है जी। जी मैं कहता हूँ इरफान भाई, देखें हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर बहुत से ग्रुप हैं कि कादियानी मरदइयों के साथ डिबेट होती रहती है और कादियानी मरदइयों की जो शॉर्ट बात कर ले, शॉर्ट कर ले, अभी सर मैं बिजी हूँ, मुख्तसर ये कि एक कादियानी मुरब्बी है इनका, उसने जनाब जर्मनी के अंदर वो क्या काम करता है, वही जो अंग्रेज काम करते हैं, मैं वो लफ्ज ही नहीं है मेरे पास के जो मैं यहाँ बोलूं, अल्लाह की कसम वो बकायदा वो ट्रेनिंग देता है मुरब्बियों को, कादियानियों को बकायदा, कि इस तरीके से वो जिनसी अमल करते हैं और ये काम करते हैं और लवातत का ये तरीका होना चाहिए और ये दवाइयां इस्तेमाल करके ना तो वो मजा ज्यादा आता है, तो इस तरह करके वो करते भाई। शाह साहब ये इनके लिए बड़ी नॉर्मल चीजें हैं, मैं आज कर रहा हूँ जी जी जी, मतलब ये तो एक मुसलमान जिसमें गैरत तो हम ये था वो इस बातों को लेगा ना, बड़ा सीरियस हो गए भाई, मुर्दियों के लिए तो ये नॉर्मल चीजें हैं। मैं आज कर रहा हूँ, मैं कितने लोगों को जानता हूँ, कादियानियों के सदरों को जानता हूँ, इनके मुरब्बियों को जानता हूँ जो अपनी बेटियों से मुंह काले करते हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही, जिन्होंने अपनी बहनों से किए, ये एक बदतरीन खंजीर के बच्चे हैं ये भाई, बिल्कुल। मैं आज कर रहा हूँ फहद नमाज साहब ने कम जुमले इस्तेमाल किए, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।